हेलो एवरीवन, फेस्टिव सीज़न इज़ ऑन और हम सभी को इस फेस्टिव सीज़न में अच्छा दिखना है, तो उसके लिए हम अननोइंगली कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे हमारी स्किन और हमारी हेल्थ पे बुरा असर पड़ता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या हैं वो चीज़ें जो हम अननोइंगली कर रहे होंगे। जैसे कि सबसे पहले तो हमारी डाइट, जो फेस्टिव सीज़न की वजह से हमारी डाइट से हम डेविएट होते हैं, मीठा ज़्यादा खाते हैं और अल्कोहल कंजम्पशन भी ज़्यादा हो सकती है। तो मीठा खाने की वजह से, जैसा कि मैंने अपनी हर वीडियो में बताया है कि स्किन पे एक्ने ज़्यादा हो सकता है, डाइट का स्किन से कितना गहरा रिलेशन है ये मैंने अपनी हर वीडियो में एम्फेसाइज किया है। मीठा खाने से पिंपल्स निकलते हैं, अल्कोहल से भी हमारी स्किन के टॉक्सिन्स उतने अच्छे फ्लश आउट नहीं होते, तो अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा होने से स्किन ज़्यादा टायर्ड, डल और फटीग लगती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हम करते हैं फेस्टिव सीज़न में वो है मेकअप। तो मेकअप हम ज़्यादा करते हैं, हम बार बार टचअप करते हैं और काफ़ी बार हम रात को सोने से पहले मेकअप रिमूव नहीं करते, तो इन सब चीज़ों से भी स्किन में बहुत रैशेज़ होते हैं, एक्ने होता है, वाइट हेड्स होते हैं। लेट नाइट पार्टीज़ की वजह से काफ़ी बार हमारी नींद पूरी ना होने की वजह से भी स्किन ज़्यादा टायर्ड और डल लगती है। और अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पटाखे, जो हम सबको पता है फायर क्रैकर्स, जो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे नहीं हैं और वो हमारी स्किन के लिए भी अच्छे नहीं हैं, तो इन फायर क्रैकर्स की वजह से हार्मफुल गैसेस हमारी स्किन पे रिएक्ट करती हैं, उससे पिंपल्स बढ़ सकते हैं और एलर्जीज़ और रैशेज़ हो सकते हैं। तो अब हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे हम अपने दिवाली के टाइम पे, फेस्टिव सीज़न के टाइम पे ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स को कम से कम कर सकें। सबसे पहले तो जितना हो सके डाइट हेल्दी लें और कम से कम एक मील दिन में ऐसा रखें जिसमें आप डिटॉक्स कर सकें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और जितना हो सके आप फ्रूट्स और सैलड्स लें एक मील में, ताकि आप कॉम्पेंसेट कर सकें उस सारे नुकसान को जो आप एक हैवी मील लेने से आपको हो रहा है। मेकअप हो सके तो कम से कम करें और रात को सोने से पहले मेकअप रिमूवर इस्तेमाल करें। अगर पॉसिबल हो तो एक रिजुविनेटिंग नाइट क्रीम ज़रूर लगाएं और अंडर आई को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अंडर आई क्रीम लगाने से आपको धीरे धीरे अपनी अंडर आई एरिया में बहुत अच्छा फ़र्क दिखेगा। इसके अलावा हफ्ते में एक बार अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करने से भी काफ़ी फ़र्क दिखेगा, क्योंकि हमारे डेड स्किन सेल्स अगर रिमूव होंगे तो हमारी स्किन ज़्यादा ग्लो करेगी। और इन सब चीज़ों के अलावा आप मेडिफेशियल्स के बारे में भी सोच सकते हैं। काफ़ी डर्मेटोलॉजी क्लिनिक्स में ऐसे मेडिकेटेड फेशियल्स अवेलेबल हैं जिनसे आपके डेड सेल्स रिमूव होंगे और जिनमें अच्छे सीरम्स आपके फेस पे इन्फ्यूज़ किए जाएंगे। कुछ प्रोसीजर्स में स्किन में ऑक्सीजनेशन की जाएगी और सेल्स के रिवाइवल और रिन्यूअल की वजह से आपकी स्किन की सारी टायर्डनेस, डलनेस रिमूव होगी और स्किन ग्लो करेगी। इन सभी ट्रीटमेंट्स में अंडर आई ट्रीटमेंट्स भी साथ में किए जाते हैं और जिसकी वजह से हमारे अंडर आई एरिया इग्नोर नहीं होता। कोशिश ये भी करें कि स्किन के अलावा बालों पर भी पूरा ध्यान दिया जाए, बालों को इग्नोर ना करें। हो सके तो बाल, क्योंकि अगर आपके ड्राई या फ्रिजी हैं या क्योंकि हम फेस्टिव सीज़न में ज़्यादा ट्रीटमेंट्स कराते हैं बालों में, तो स्ट्रेटनिंग, स्मूदनिंग, कलरिंग, इन सब ट्रीटमेंट्स की वजह से जो हमारे बाल डैमेज हो रहे हैं, तो हम हॉट ऑयल मसाजेस करें जिसमें हम ओवरनाइट वार्म ऑयल लगा के बालों में छोड़ सकते हैं, या फिर और बेहतर रहेगा कि आप ऑयल बालों में लगा के उसके बाद एक हॉट टॉवल से अपने बालों को लपेट दें, और जिससे कि कुछ समय तक रखने से हमारे वो सारे ऑयल्स हमारे स्कैल्प में इन्फ्यूज़ होंगे, डीप पेनिट्रेशन होगा और बालों को अच्छा नरिशमेंट मिलेगा। सो ये तो रही स्किन और हेयर की बात, और अब कुछ जनरल टिप्स। जितना हो सके कॉटन के कपड़े पहने, क्योंकि सिंथेटिक कपड़े फायर ज़्यादा आसानी से कैच करते हैं। अगर आप फायर क्रैकर्स चला रहे हैं तो क्लोज रूम में ना चलाएं। फायर एक्सटिंग्विशर हमेशा हैंडी रखें, एक फर्स्ट एड किट हैंडी रखें। अगर बर्न होता है तो प्लीज़ उसमें टूथपेस्ट ना लगाएं और अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से तुरंत मिलें। दिवाली में तो हम सभी बहुत अच्छे दिखना चाहते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतें तो उससे हम दिवाली के बाद भी हमारी स्किन और हमारी हेल्थ उतनी ही अच्छी रहेगी।
wish you a very bright, prosperous and safe Diwali, and thanks for brightening up my Diwali.